नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सूरत ढिंडोली में 14 साल की नाबालिग के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसे जान से मारने की धमकी देकर रेप करने वाला गिरफ्तार। बच्ची से रेप और POCSO एक्ट के गंभीर अपराध के आरोपी को ढिंडोली पुलिस की सर्विलांस टीम ने किया गिरफ्तार। ढिंडोली में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को आकाश सिंह नाम के युवक ने इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे नाबालिग ने स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच बातचीत व परिचय हुआ। आकाश सिंह ढिंडोली में रहकर बच्ची के भाई से दोस्ती कर ली और वह उसके घर आने जाने लगा। इस बीच आखिरी 26/1/2023 को बच्ची के मामा का देहांत होने से बच्ची की मां राजस्थान में अपने पैतृक गांव चली गई और उसके पिता काम पर चले गए। जब बच्ची अपने घर में अकेली थी, तब आकाश सिंह दोपहर में जबरन बच्ची के घर आ गया और उससे तेरे भाई और तुझे जान से मार डालूंगा की धमकी देने लगा और नाबालिग को उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार करने की धमकी दी और फरार हो गया। फिर दोपहर में 2 या 3 दिनों के लिए बच्ची घर में अकेली होने पर नाबालिग से उसकी मर्जी के खिलाफ छेड़छाड़ करता रहा और किसी को बताने पर जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देता था। बच्ची ने फिर अपने माता पिता को सूचित करने का साहस जुटाया और IPC की धारा और पॉक्सो अधिनियम 3 के तहत आरोपी आकाश सिंह के खिलाफ ढिंडोली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। सूरत शहर पुलिस आयुक्त SR John 2 एवं JT Sonara ACP D Division सूरत ने एक नाबालिग लड़की के खिलाफ बलात्कार के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत पुलिस इंस्पेक्टर NR RJ Chundasama और सेकंड पुलिस इंस्पेक्टर SM Pathan ढिंडोली पुलिस स्टेशन के निर्देश और सीधे मार्गदर्शन में सर्विलांस स्टाफ के PSI हरपाल सिंह मसानी सर्विलांस स्टाफ के पुलिस जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर थे। तब हेड कांस्टेबल मिलिंद तुकाराम और कांस्टेबल कुलदीप सिंह हेमभा को कुछ सूचना मिली कि 14 वर्षीय नाबालिग ढिंडोली अपराध का आरोपी आकाश सिंह अपनी बहन और जीजा के वहां राजकोट भाग गया था, जो सूरत लौट आया है और ढिंडोली गोदादरा ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है, जिसको लेकर ढिंडोली सर्विलेंस की टीम खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी को चारों ओर से घेर लिया गया और आसपास के लोगों की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।